गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 8 अध्याय चल रहा था अपना। एक जवाब है एग्जामिनर को, एक जवाब है एक एग्जामिनर। प्रश्न वाले दो पॉइंट चल रही थी, उसमें कुछ सवाल मैंने करवाए थे। अब आयु से संबंधित सवाल कर लेते हैं, मतलब कि पिता पुत्र की आयु या कुछ। तो यहाँ देखिए पहला सवाल दिया जाता है, नवा सवाल कि दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 महीने है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु क्या है। देखिए इस प्रश्न को सही ढंग से समझना है तो यह हमें सबसे बड़ी बात यह है कि दादा की आयु पोत्री की आयु की 10 महीने है। तो माने पोत्री की आयु एक्स है, माने पोत्री की आयु एक्स है। अब दादा की आयु पोत्री की आयु की 10 गुणी है, तो जब ये एक्स वर्ष है तो दादा की आयु क्या है 10 गुणी, तो एक्स 10, तो 10x हो गया, 10 गुणा x, 10 वर्ष, ये हो गया दादा की आयु। अब उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु क्या है। अब ये कह रहा है कि दादा की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादा की आयु कितनी है 10x है और पोत्री की आयु कितनी है x, तो 10x - x = 54 वर्ष, क्योंकि दादा की आयु में से पुत्री पोत्री की आयु घटा देंगे तो दादा की आयु कितनी 54 वर्ष, तो ये 54 वर्ष अधिक है। तो दादा की आयु में से पोत्री की आयु घटाने पर कितने वर्ष अधिक है, वो 54 वर्ष अधिक है। तो दादा की आयु में से पोत्री की आयु घटा दी और ये जो कि कितने साल का अंतर है वो 54 वर्ष का अंतर यहाँ पे अधिक है। ठीक है, अब देखिए 10x - x, 10x में से x किया 2x बच गया, इधर 54, एक समीकरण बन गया x बराबर 54, यह बड़ा बड़ा है तो उसे क्या देंगे हम, यह भाग देंगे। तो 9 का बड़ा बड़ा 9 * 9 = 54, 9 * 6 = 36, 9 * 3 = 44, 9 * 6 = 54, तो ये 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो पोत्री की आयु 6 वर्ष है और दादाजी की आयु इसकी 10 गुणी थी, तो 10 cos x, तो 10 * 6 = 60 वर्ष। ठीक है, अब आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। अमन की आयु उसके पुत्र की, तो अमन क्या हो जाएगा पिता है, अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है, पुत्र की आयु की 3 गुणी, तो माना कि पुत्र की आयु x है, तो अमन की आयु पिता की आयु क्या हो गई 3x, 3 * 3 = 3x, गुणा तो हो गया 3 * x 3x। 10 वर्ष पहले उनकी आयु की 5 गुणी थी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु 5 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु 5 गुणी थी, तो प्रश्न अनुसार 3x पिता की आयु, 10 वर्ष पहले 3x - 10 वर्ष घटा दिया, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी 3x आ गया, 3x - 10 वर्ष। ठीक है, अब पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले तो x - 10, अब ये कह रहा है कि पुत्र की आयु 5 गुणी थी, पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले क्या थी x - 10, 3x - 10 बराबर कब होगा जब पुत्र की आयु की 5 गुणी थी, तो 5 * x - 10, तो पुत्र की आयु 5, इसका मतलब कि 3x - 10 आयु बराबर है 5x - 10 के बराबर। तो यह देखिए 3x - 10, 5x - 5 है 50, x की वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो 3x - इधर प्लस का 5x इधर आ गया, तो माइनस हो गया बराबर माइनस का 50 बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस इधर गया प्लस 10 हो गया, तो यहाँ बचा 2x - 40 के माइनस के 40, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से माइनस है, यहाँ काट दो, तो यह x बराबर -40 - -2, तो प्लस माइनस से माइनस ले 2 * 2 = 4 = 0, x की वैल्यू आ गई 20। x किसको माना हमने, पुत्र को, पुत्र है 20 साल का, पिता x का 3 गुना है, इन पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 3x, x से 20 का 3 * 6, इसका इसके ऊपर क्या हो गया पिता की 60 वर्ष। तो इस प्रकार इन सवालों को हमें करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि ऐसे सवाल परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो उसे दोबारा देखना है। इस प्रकार आपको परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए ये सवाल अति आवश्यक है।